माझं नाव राशी फटकाळे आहे. माझं वय 16 आहे. उर्जानगर चंद्रपूर. हिंदी राष्ट्रभाषा आहे म्हणून आज हिंदीत. 31 मई 1725 एक ऐसी महिला ने जन्म लिया था जो महिला साहसी और शूरवीर थी, जिस महिला का स्मरण हम आज भी करते हैं. चलिए छोटे से कहानी से शुरुआत करते हैं. मनकुजराव शिंदे के घर एक छोटी सी परी ने जन्म लिया था. वो परी दिखने में बड़ी खूबसूरत थी और शूरवीर भी थी. उस परी का नाम अहिल्या रखा गया था. अहिल्या शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी. उस वक्त मल्लार जी होड़कर का राज्य चल रहा था. एक दिन मल्लार जी होड़कर उस राज्य से जा रहे थे, तब उनको बड़े ही अच्छे स्वर में शिव जी की आरती सुनने की आवाज आ रही थी. उनको वो स्वर इतना भा गया कि उनके घोड़े के पहिए रुके नहीं रहे थे. वो घोड़े के पहिए सीधा उस शिव के मंदिर में जाके ही रुके. उन्होंने देखा एक 12 साल की लड़की इतने अच्छे स्वर में शिव की आरती गा रही थी. उनको एकदम से ख्याल आया कि यह लड़की मेरे खंडेराव के लिए अतिशय उत्तम लड़की है. उन्होंने मनकुजराव शिंदे से बात की. अहिल्या और खंडेराव जी का विवाह हो गया. जबकि खंडेराव जी मल्लार राव से बहुत अलग थे. मल्लार राव बहुत साहसी थे और खंडेराव जी इतने नहीं थे. उनको युद्ध में जाने से डर लगता था. परंतु जैसे ही अहिल्या और खंडेराव जी का विवाह हो गया, खंडेराव का जीवन तो जैसे पावन ही हो गया था. पहले तो वो युद्ध में जाने से डरते थे, परंतु अब वो युद्ध में जाने के लिए तड़पते हैं. आखिर में ऐसे एक युद्ध में खंडेराव जी ने अपना जीवन गंवा दिया. समाज ने कहा कि अहिल्या अब तुम भी बाकी महिलाओं की तरह सती बन जाओ. अहिल्या ने भी यही सोचा, अब मेरा पति तो नहीं रहा, अब मैं क्या करूंगी, मैं भी सती ही बन जाती हूँ. परंतु मल्लाराव जी को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं था. उन्होंने अहिल्या को सिर्फ एक ही चीज कही, अगर तुम भी सती बन जाओगी इस राज्य का क्या होगा, अब तो मेरा पुत्र भी नहीं रहा और मुझे भी नहीं लगता मैं ज्यादा दिन रह पाऊंगा. मुझे लगता है मेरे राज्य के लिए तुम ही योग्य हो. यह सुनकर अहिल्या ने उस सती प्रथा को ठुकरा दिया. उन्होंने राजपाट सीखा और उसी दौरान मल्लार जी का भी मृत्यु हो गया. अहिल्या ने खुद को कमजोर नहीं समझा, बल्कि अहिल्या और शूरवीर बन गई. एक दिन रघुवीर राय राजा ने अहिल्या के राज्य पर नजर डाली. उनको लगा अहिल्या तो अबला हो गई, अब शायद मैं अहिल्या का राज्य हड़प सकता हूँ. परंतु अहिल्या को जैसे ही ये बात की भनक लगी कि उनके राज्य पर हमला होने वाला है, उन्होंने पुरुषों एवं महिलाओं को, जी हाँ एवं महिलाओं तक तैयार किया था. उनको कहा था तुम भी पुरुषों से कम नहीं हो, बल्कि तुम भी एक शूरवीर हो. परंतु हमले से पहले अहिल्या ने राजा को एक बात कही थी, अगर यदि तुम हमसे जीतते भी हो तो तुम्हारी हार है, और यदि अगर तुम हमसे हारते भी हो तो भी तुम्हारी हार ही है. यह सुनकर रघुवीर राय थम गया. उन्होंने उन पर हमला नहीं किया. इसी प्रकार कई चतुराई से अहिल्या ने अपने राज्य से बहुत से संकट हटा दिए थे. अहिल्या को महिला को जैसे लक्ष्मी थी. जब भी उनके पास कोई भी महिला अपनी पीड़ा लेकर आती थी तो अहिल्या हमेशा किसी और को उस कक्ष में रहने नहीं देती. एक दिन अहिल्या को दूसरे राज्य से एक बड़ा से सुंदर वस्त्र उपहार आया. उनकी बाजू में बैठी सेविका उस उपहार को देख रही थी. अहिल्या ने वो उपहार खुद न लेते हुए उस सेविका को दे दिया. इस तरह अहिल्या सिर्फ शूरवीर नहीं परंतु दयालु थी. अहिल्या को हमेशा हर एक स्त्री में अपनी लक्ष्मी दिखाई देती थी. उनको किसी भी लोगों पर भेदभाव नहीं था. उनके राज्य में ना ही गोरे का भेदभाव था, ना ही अमीर गरीब का भेदभाव था और ना ही किसी चीज का. औरंगजेब ने जब बहुत से मंदिर गिरा दिए थे, तब अहिल्या ही एक पहली महिला थी जिसने उन मंदिरों को फिर से खड़ा किया था. अहिल्या ने ये चीज सुनकर प्रजा ने उनको जीते जी एक देवी की उपाधि दे दी थी. मुझे तो लगता है कि अहिल्या देवी एक पहली ही देवी है जिसने जीते जी अपने ऊपर एक देवी की उपाधि ले ली थी. जब ये सब सुनकर प्रजा ने उनको देवी की उपाधि दे दी थी तो उनको बड़ा खुद पे गर्व होने लगा था और उन्होंने राज्य गति को और उस गति से बढ़ाना शुरू कर दिया था. तो इसी के साथ आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, अहिल्या हमारी रानी थी वो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो, अहिल्या हमारी रानी थी वो. धन्यवाद.